एडी करंट के ऊपर ये बहुत ही सुंदर सा प्रयोग है। इसके लिए हमको एक नियोडाइमियम का चुंबक, एक लोहे का टुकड़ा, एक पीवीसी का पाइप, एक एल्युमिनियम का पाइप और एक तांबे का पाइप चाहिए। देखिए यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है और एक लोहे का टुकड़ा है। लोहे का टुकड़ा इस नियोडाइमियम चुंबक के साथ में चिपक जाएगा। उसके बाद में हम पीवीसी का पाइप लेंगे, ये घर में इलेक्ट्रिकल वायरिंग के लिए इस्तेमाल होता है, और ये एल्युमिनियम का मोटी दीवार वाला पाइप है, और ये कॉपर का पाइप है, तांबे का मोटी दीवार का है, थोड़ा महंगा है। अब तीनों पाइपों में हम लोहे का टुकड़ा डालेंगे बार बार, पहले पीवीसी में, बाद में एल्युमिनियम में और अंत में तांबे वाले पाइप में, और हर बार ये टुकड़ा एकदम पत्थर जैसे जल्दी से नीचे आ जाएगा। अब ये पीवीसी का पाइप है, चुंबक इसके साथ में चिपकेगा नहीं, और जैसे ही आप चुंबक को डालेंगे वो पत्थर जैसे तेज़ी से नीचे आ जाएगा। उसके बाद हम एल्युमिनियम का पाइप लेंगे, चुंबक एल्युमिनियम के साथ में चिपकता नहीं है, पर एक कंडक्टिंग मटेरियल है, और जैसे ही अंदर डालेंगे एक एडी करंट पैदा होते हैं जो इसकी स्पीड को ब्रेक करेंगे, और चुंबक को नीचे आने में काफ़ी वक्त लगेगा, काफ़ी समय लगेगा। और ये मोटा तांबे का पाइप है, ये भी नॉन मैग्नेटिक है, इसमें डालेंगे तो देखिए बिल्कुल धीमी गति से चुंबक नीचे को आएगा, इसमें ब्रेकिंग बहुत ज़्यादा होगी। अब ये एडी करंट का एक बहुत ही सुंदर सा उदाहरण है। पीवीसी के पाइप में झट से आ जाता है चुंबक नीचे, एल्युमिनियम के पाइप में डालते हैं तो उसको थोड़ा वक्त लगता है, ब्रेकिंग होती है, और ये ब्रेकिंग बहुत ज़्यादा होती है अगर हम उसको मोटे तांबे के पाइप में रखते हैं। बहुत ही मज़ेदार प्रयोग है ये एडी करंट्स और ब्रेकिंग के ऊपर है। और आप ये देखिए किस तरह से चुंबक एकदम फ्लोट करता हुआ इस एल्युमिनियम के पाइप में जा रहा है, और यहाँ आप कुछ लड़कियों को देख रहे हैं जो इस प्रयोग को कर रही हैं, और वो एकदम आह्लादित हो जाती हैं इस प्रयोग को करके, कितनी खुश हैं बच्चियाँ।